नमस्कार, मैं दीपक सैनी आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी है ना नारनौल के अंदर हमारा जो एरिया है वहाँ चेयरमैन के अभी वोट चल रहे थे, तो मतलब वोट के जो दिन थे ना उनके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जो हमारी टीम थी पूरी की पूरी, तो कमलेश सैनी के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और दिन रात एक क्या था, मतलब हर जगह, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब जगह बहुत मेहनत की थी और घर घर जा जा कर लोगों से वोट की अपील की थी और काफ़ी सारे नुक्कड़ सभाएं में के अंदर सब भाग लिया था। कमलेश सैनी जी को बुलाया भी था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी उस टाइम पे, सिर्फ इसलिए कि कमलेश सैनी को जीत दिला सके हम लोग। तो अभी आज दिन आ चुका है, वोट हमारे यहाँ पर 19 जून को हुए थे और आज है 22 जून, 22 जून को रिजल्ट आना था। तो अभी है ना क्या हो रहा है कि गिनती हो रही है यहाँ पर, तो जितने भी वार्ड मेंबर थे वो उनके जो नाम थे अनाउंस हो चुके हैं, क्योंकि 31 वार्ड थे यहाँ पर नारनौल के अंदर आसपास के गांव मिलाकर, तो लगभग 25 वार्ड के कंप्लीट हो चुके हैं, 25 से 26 वार्ड के नाम और 4-5 वार्डों के नाम बच रहे हैं। और कमलेश सैनी अभी फिलहाल 11,000 वोटों से आगे चल रही है। तो अभी देखिए आप, यहाँ पर मैं कमलेश सैनी के ऑफिस के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, ये ऑफिस था तो यहाँ पर हम रहते थे और इधर ना भीड़ लगी हुई है। तो अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी भीड़ अभी बची हुई है, क्योंकि लगभग सभी वार्डों के नाम अलाउंस हो चुके हैं, तो सभी वार्ड वाले जितने भी जीते हैं ना लोग, वो सब लोग जीत के अपने गांव मोहल्ले और गांव के अंदर जाकर डीजे से अपना स्वागत कर रहे हैं उनका। तो अब जो भीड़ बचेगी ना वो बचेगी सिर्फ कमलेश सैनी की। अभी आगे जाकर मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी भीड़ है और कमलेश सैनी का कैसे स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी 11,000 वोटर जीत रही है और लगता है मुझे ऐसा कि लगभग 15,000 वोटर के आसपास जीतेगी। तो चलते आगे की तरफ, आइए दोस्तों। और डीजे से यहाँ पर ऐसे रैली निकालेंगे लोग, तो बुला लिया डीजे, जो भी जीत रहा है ना सब डीजे से ढोल से सब ऐसे ही गाना बजा कर अपना खुशी मना रहे हैं। और सामने ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं इधर की तरफ, तो काफ़ी जाम की स्थिति बन गई थी, अभी तो काफ़ी क्या है कि खाली एरिया हो गया पूरा का पूरा। भाई मज़ा आने वाला है ज़बरदस्त वाला, क्योंकि अभी कमलेश सैनी का जैसे अनाउंस होगा ना कि अभी कमलेश सैनी जीत चुकी है, उसके बाद धमाल होगा भाई ज़बरदस्त वाला। डीजे वजह के साथ नाचेंगे फुल गुलाल के अंदर, ये पूरी की पूरी भीड़ है अभी, क्योंकि लगभग जो वार्ड थे ना सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भीड़ बचेगी वो सिर्फ कमलेश सैनी की बचेगी, क्योंकि सुक्की जीत रही है भाई, सीधी सी बात है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है पूरी की पूरी। दोस्तों देखिए, हम दूसरी तरफ आए हैं और यहाँ पर जितनी भी भीड़ बच रही है ना वो सारी कमलेश सैनी के सपोर्ट में है सारी की सारी भीड़, क्योंकि वार्ड मेंबर के लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे बम के जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी 2 वार्ड मेंबर के और बचे हैं, 29 वार्ड के हो चुके कंप्लीट, 31 के होने के बाद डिसाइड होगा कि कितने मार्जिन जीती है। और फिर भी अभी भीड़ देख सकते हैं आप लोग। डीजे आजा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 15,000 से वोट जीता। संदेश विराजे, धन्यवाद, संदेश विराजे, धन्यवाद।
कंप्लीट हो चुके 14634 से। पीछे कमलेश सैनी जी की गाड़ी खड़ी है और अभी यहाँ से जुलूस निकालेंगे, पूरा जश्न मनाएंगे और काफ़ी भीड़ जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है। भाई सभी साथी मेरी अगर बात सुने, देखो साथियों बहुत भारी जीत कमलेश जी की जीत रही है साथियों, ये छत्तीस बिरादरी की जीत है।
सेठ जी नीचा जाओ यार हद कर दी। फाइनली हम लोगों ने भी रैली निकाल कर कमलेश सैनी जी की, आपने पूरा वीडियो देखा कम्प्लीटली, कैसे इतनी ज़्यादा धूमधाम से हमने कैसे 5-6 डीजे लगभग 10 डीजे एक साथ चल रहे थे, इतना लंबा काफिला था, मतलब आज पूरे नार नोड हिला कर रख दिया। और इतिहास के अंदर ना ये निकाल दर्ज हो गया है कि मतलब 15,000 से वोट से जीती है कमलेश सैनी, वो भी निर्दलीय से चेयरमैन, पूरे हरियाणा के अंदर ये इतिहास दर्ज हुआ है चेयरमैन पद के ऊपर। और अभी मैं कमलेश सैनी जी की कोठी के ऊपर ही हूँ, अभी उनके घर आए हुए हैं और यहाँ पर पूरा मार्च खत्म हुआ है, पूरी वीडियो देख ली है और मेरी आवाज़ कम आ जाएगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम उठा देता हूँ, उसके बाद ये ब्लॉग कंप्लीट करेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर देना। मेरे साथ ये जगमोहन बैठे हैं और इधर अपने, तो अभी थोड़ा सा प्रोग्राम दिखा देता हूँ उसके बाद वीडियो कम्प्लीट करेंगे।